हम लोग एग्रीकल्चर को हमने कभी बिजनेस समझा नहीं है हमारे देश में हमने कभी एग्रीकल्चर मतलब हमारा कल्चर है मैंने आपको आपको सिर्फ थे बताया कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपने ये चीजें नहीं करनी चाहिए और ये चीजें करनी चाहिए अगर मैं आपको बोलूं कि किसानी और खेती के थ्रू आप एक हजार करोड़ का कंपनी खड़ा कर सकते हैं तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस से जिन्होंने खेती और किसानों को साथ लाकर एक हजार करोड़ से भी ऊपर का कंपनी खड़ा से ज्यादा किसान जो कि पच्चीस हजार से ज्यादा एरिया में खेती कर रहे हैं को साथ लाया है चलिए बात करते हैं वो दोबारा बिलाब शिंदे बिलाब शिंदे ऑन एग्रीकम विलास सर नमस्ते वेलकम टू एग्रीटॉक कैसे हैं सर आप बस बढ़िया और सब कैसा चल रहा है बस बढ़िया सर मुझे आपसे एक प्रश्न है आपने इतना कुछ अचीव किया इतना बड़ा कंपनी सेटअप किया है कभी भी आपको वो प्राउड फीलिंग आता है कि मैंने इतना कुछ अचीव कर चुका है प्राउड फीलिंग तो डेफिनेटली है लेकिन वो इस वजह से है कि एज अ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मैंने तो कॉलेज के दिनों में जो कुछ पढ़ा और जो कुछ समझा कि हमारे एग्रीकल्चर के जो भी प्रॉब्लम्स है और उसमें तो ख़ास करके मैंने तो हमारी फैमिली एग्रीकल्चर फैमिली है तो घर पे भी वो सब प्रॉब्लम तो देख ही रहा था वो सब जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की दिशा में अभी तक का जो भी मेरा कुछ टाइम है लास्ट ट्वेंटी एट ईयर्स में वो मैंने पूरी जान से उसमें दिया और उसको कुछ अभी जो कुछ प्रॉब्लम उसको समझना वो एक फेज था और उसके बाद वो प्रॉब्लम में कुछ सोल्यूशन उसमें ढूंढना वो एक जर्नी अभी तक का जो रहा है तो उसमें एक सेटिस्फैक्शन है प्राउड फीलिंग के साथ कि मेरा जो भी कुछ टाइम है मैंने वो सही दिशा में दिया इस लाइक अ मिशन फॉर मी जो कम्युनिटी से मैं आया हूँ तो कम्युनिटी के लिए मैं कुछ कर पाया हूँ एज अ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट तो उसका फीलिंग उसका बहुत कुछ करना बाकी है एक ये तो है कि जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं आज, ऐसे नहीं कि मतलब हमने एक सब कुछ हासिल किया और हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहाँ सब अभी आवाज से सब अच्छा हो रहा है वो मुकाम अभी तक नहीं देखा है लेकिन उस दिशा में जर्नी है, अभी आ, बाकी आ, है जर्नी। आ, तो जर्नी राइट right डायरेक्शन में जा रही है इसका एक सेटिस्फेक्शन uh, उसका उतना तो न, 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 बक्का है सर so, जहाँ तक मैं आपको देखा हूँ सहदरी को देखा हूँ मेरे समझ में जो है कि आपकी सेटिस्फेक्शन है कि आप कम्युनिटी को दे पा रहे हैं मोर देन द नंबर्स आपने आई थिंक ओवर थाउजेंड ऑलमोस्ट क्लोज टू एट हंड्रेड लोग को भी जॉब दिया है आपके सारे किसान जुड़े हैं सो दैट इज वेर योर ट्रू सेटिस्फैक्शन ब्राइड सर नो डेफिनेटली मुझे आप अगर इंडिया का अगर सिचुएशन देखेंगे हमारी जो कंट्री है उसमें ऑलमोस्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन में आज भी 50 परसेंट लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं 50 परसेंट एग्रीकल्चर पे और उसमें मेन जो एक आप किसी भी यंग यूथ को अगर उसको एस्पिरेशन के बारे में पूछेंगे क्या करना चाह रहा है क्या करना है उसको जिंदगी में तो वो कभी एग्रीकल्चर एज अ करियर चॉइस नहीं बोलेगा।, नहीं बोलेगा वो तो यही बोलेगा कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है मुझे कोई सर्विस सेक्टर में जाना है या उसको कोई गवर्नमेंट जॉब जाना है या उसको इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है बाकी हर एक प्रोफेशन का वो नाम लेगा ऐसा क्यों है सर लेकिन क्यों नहीं हैं यंग जनरेशन वो नेचुरल है ना आप अगर एग्रीकल्चर की सिचुएशन लिए समझना जरूरी है कि एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर तो तो आज ऐसे एक सेक्टर बना है कि जिसमें जो कोई है वो सिर्फ मतलब वो पेन से देख रहा है उसको तकलीफ ही देख रहा है और लॉसेस ही देख रहा है यही मेजोरिटी सिचुएशन है इंडिया में नाइन्टी परसेंट फार्मर्स ये छोटे किसान है जिनका लैंड होल्डिंग एक हेक्टर के आस आस पास है और इतनी छोटी जगह पे जब खेती कर रहे हैं और उसके साथ वो मार्केट में ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर रहे हैं तो वो रियलिटी तो है उसमें फिर एक सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं है तो लॉस होना वो तो फिर नेचुरल है और उसकी वजह से जो एक है इनसिक्योरिटी मतलब है कोई uh, assured, कोई इनकम नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में किसको उसमें अच्छा लगेगा तो आज तो आप किसी को भी कोई एज एज ह्यूमन भी किसी को भी पूछोगे कि उसकी uh, बेसिक एस्पिरेशन के बारे में तो कि एक वो सुखी और एक सिक्योर ऐसे uh, एक रिस्पेक्टेबल कोई भी जर्नी है मतलब लाइफ उसको तो एक्सपेक्टेड ही है और उसके लिए सिक्योर्ड uh, इनकम की भी उसके लिए जरूरी है और सिक्योर्ड इनकम अगर एग्रीकल्चर में नहीं मिल रहा है तो उसमें फिर किसको इंटरेस्ट रहेगा तो ऐसे एक तरफ सिचुएशन है लेकिन दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि हम लोग इतने लोगों को जो एग्रीकल्चर में अभी काम कर रहे हैं 50 परसेंट के आसपास पॉपुलेशन उनको बाकी सेक्टर में सर्विस सेक्टर में इंडस्ट्री सेक्टर में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी तो उतना या उनके लिए बाकी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर पा रहे हैं क्या तो तो हम लोग ऐसे एक मतलब एज अ कंट्री वी आर इंग ट्रैप ऐसे एक जगह से क्योंकि तो 142 करोड़ पॉपुलेशन इन पूरी दुनिया में दूसरा तो सिर्फ चाइना है जो करोड़ के आप वो वाले बाकी कोई भी कंट्री आप देखोगे तो वहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ही नहीं तो उनका प्रॉब्लम और हमारे प्रॉब्लम एक अलग सिचुएशन है तो आपने कैसे हिम्मत किया जब आप स्टार्ट किए तो ये प्रॉब्लम्स तब भी थे और आज भी एग्रीकल्चर नहीं मैंने तो जैसे बताया कि मैं तो एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ तो तो और मैं तो वो देख रहा था कि ये सब प्रॉब्लम किस तरीके से अभी मुझे भी पॉसिबल था उसमें से निकलना भागना मैं भी कोई दूसरे सेक्टर में जा सकता था जॉब कर सकता था गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई बाकी सर्विस सेक्टर में लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पे जो था कॉलेज के दिनों में फीलिंग कि मैं अगर यहाँ से निकल भी जाऊँ तो बाकी लोग क्या है अभी मेरे घर के लोग उनका क्या? उनका क्या, उनके क्या है उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए मैं करूंगा तो कुछ कुछ और क्रिएट कर सकता कोशिश करू की सबको अगर प्रॉस्पिरिटी और अच्छे दिन सबको देखना है तो सब साथ में देखे और वही से माइंड था एग्रीकल्चर को हमें आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें उसी को उसी सेक्टर को प्रॉस्पर सेक्टर करना पड़ेगा और उसी में फिर अपॉर्चुनिटी बनने लगेगी जॉब अपॉर्चुनिटी भी वही से बनेगी और वही से इनकम सिक्योरिटी एक छोटे जो जितने भी हमारे फार्म हैं उनके लेवल पे बन सकती है हमें उस तरीके से काम करना पड़ेगा वैसे मॉडल बनाने पड़ेंगे हमें वो जो जिस वजह से लॉस हो रहा है जो भी के खेती के जो ऐसे कारण है जिसकी वजह से हम लोग नुकसान देखते हैं, तो वो सब जैसे वो सब चीजों को हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उसके लिए सही तरीके से एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और प्रोफेशनल सोच लानी पड़ेगी और उसके साथ फिर वो कलेक्टिव भी एफर्ट करना पड़ेगा अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कितना एक आदमी मतलब कितना भी होशियार हो और वो कितना भी आ, मतलब वो टेक्नोलॉजी प्रो, से सोच रहा है लेकिन का साथ स्केल चाहिए नहीं जो होता है ना एक कंपटीशन करते हो तो कंपटीशन आपके जो कॉम्प्यूटर है उनके सामने आपकी क्या स्ट्रेंथ है वो तो समझना ही पड़ता है ना वो आपका कॉम्प्यूटर अगर इफिशियंट है ज्यादा तो वो तो आप उसके सामने हार जाओगे और वो इफिशियंस के कारण उसकी अगर स्केल है तो आपको भी स्केल लानी पड़ेगी, आपको बनना पड़ेगा। कहते हैं स्केलेबिलिटी शुड पांच हजार एकड़ फार्म आप बनो वो नहीं बन सकते नहीं बन सकते लेकिन आप अगर हजार लोग साथ में आ रहे हो तो पाँच एकड़ सबको मिले तो हजार पाश्चात्य रहकर का एक स्केल जो बन जाता है उसको तो आप कंपटीशन कर सकते हो लोग के साथ जोड़ के हम वी कैन फेस द अदर कॉम्पिटिटर्स कलेक्टिव इंडिया में जरूरी है अगर फार्मिंग सेक्टर में कुछ भी बदलाव लाना है तो हमें कलेक्टिव एफर्ट से कर सकते करेक्ट कलेक्टिव एफर्ट और उसके साथ वो प्रोफेशनल सोच और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल अगर हम लोग करें और सोचे कि हम लोग अभी हम लोग छोटे छोटे किसान हैं लेकिन हमारी अगर कंपटीशन अमेरिकन किसी बड़े फार्मर के साथ है तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा हमें वैसे उतना वो ग्लोबली होना पड़ेगा बाहर से लैंड भी बहुत बड़े होते हैं लैंड अभी कंट्री वाइज अलग अलग सिचुएशन है लेकिन यूएस में या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ब्राजील है फिर अर्जेंटीना वैसे देश है ऑस्ट्रेलिया है वहां तो लैंड बड़े बड़े लैंड पार्सल है सर mm -hmm. मेरे को एक बात समझना है एज सक्सेसफुल ऑन्टरप्रिनर लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट किसी के भी जर्नी स्ट्रगल होता है जैसे आपने स्ट्रगल किया है मेरे फादर ने भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट स्ट्रगल किया है बट आपके जो चिल्ड्रन आएंगे शायद उन्हें वो स्ट्रगल ना करना पड़े या मुझे वो स्ट्रगल ना करना पड़े क्या आपको लगता है कि विदाउट दैट एलिमेंट ऑफ स्ट्रगल भी लोग वो लेवल पे पहुंच सकते हैं इज स्ट्रगल अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन ऑनटरप्रिनर जर्नी उसको हम लोग स्ट्रगल की जगह ना उसको हम लोग एक्सपीरियंस लर्निंग के हिसाब से ज्यादा बेटर वे से ना समझ सकते right? क्योंकि आप कोई भी चीज है मतलब तो आप उसमें जब फेलियर होता है तो वो भी एक्चुअली लेसन है आप उससे क्या सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है और आप जितना आप सीख रहे हो उतना आप ज्यादा मैच्योर हो रहे हो उतना मैच्योर हो रहे तो आप ज्यादा बेटर वे से कोई भी सिचुएशन को समझ सकते हो उसको फेस कर सकते हो तो अपने आप ही फिर वो सक्सेस में कन्वर्ट होता है सक्सेस मतलब क्या है सक्सेस so, पीछे जो कुछ होता है पीछे का मतलब जो कुछ आपका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपने सही तरीके से समझा कोई सिचुएशन को किसी भी आ, आ, वो बिजनेस को इवन आप अभी स्पोर्ट्स में भी आप समझो मैं मुझे कुछ मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं और मैं सिर्फ बैट लेके गया मेरे सक्सेस होने के चांसेस कितने अब उसकी जगह मैं

फेल्योर मतलब क्या कुछ तो मिस्टेक है जो मिस्टेक आपने नहीं करनी चाहिए थे Correct. तो आपने एक बार वो से समझे की, हुँ, हुँ. कि मिस्टेक नहीं करनी चाहिए मैंने ये नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए वो आपने आपको आपको सिर्फ थे uh, बताया कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपने ये चीजें नहीं है. करनी चाहिए हुँ. और ये चीजें करनी चाहिए करेक्ट आपने वो किसी से सुना और खुद उसको एक्सपीरियंस किया दोनों में डिफरेंस तो खुद जब एक्सपीरियंस करते हो तो ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझते हो हु। तो उस तरीके से स्ट्रगल को अगर हम देखे तो ज्यादा बेटर है पॉजिटिव थॉट होना चाहिए करेक्ट सो एक्सपीरियंसेस तो, तो, जिंदगी में हर चीज को हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं सक्सेस फेलर का जनरली जो होता है कि सिर्फ मतलब आपका सक्सेस मतलब आपने आपका बॉटम लाइन अच्छा है आपने कमाया। हु. बस उस नजर से आप उसको वो, वो तो लॉस भी, भी, भी हो सकता है अब इस तरीके से वो तो चलता ही डाउन ये तो जिंदगी में तो हाँ हमेशा आपके लिए एकदम ऐसे कंटिन्यूस आपको विंटर अच्छा लगता है तो विंटर रहेगा क्या विंटर के बाद समर आएगा समर के बाद फिर येन सीजन आएगा फिर विंटर आएगा तो कहते हैं ना टाइम इज द ओनली कांस्टेंट एवरीथिंग एल्स विल कीप चेंजिंग सर आपके जैसे आपने बताया स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंसेस मेक अ पर्सन आपके क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ थे जो आपको एज अ पर्सन डेवलप किए और जो यहाँ तक आज आपको ला पाए उस पे थोड़ा हम बता सकते हैं मैंने जैसे बताया कि एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स वैसे हम लोग ने कॉलेज के दिनों में समझे भी पढ़े भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है और में।, में और उस हिसाब से चार साल कॉलेज में निकाले लेकिन वो थ्योरी और बाद में जब खुद खेती करने लगा आपने खेती भी किया था स्टार्टिंग में हाँ मैं तो फार्मर ही हूँ आज भी फार्मर ही हूँ आप उसको फार्मर को किस नजर से देख रहे हो इस पे आपका वो डिपेंड नहीं लोग को जानना बहुत जरूरी है कि तो मैं हार्डकोर फार्मर हूँ और मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई सिर्फ मुझे तब तो फार्मिंग का जो एक तरीका था जो सोच थी वो तब तो अलग से अभी अलग हुई एक्सपीरियंस से जैसे प्रॉब्लम समझते गए तो वो दिनों में फिर एज अ फार्मर मैंने जो शुरुआत की ये थियोरेटिकल पूरा नॉलेज के बेसिस पे तो फिर बहुत सारी गलतियां होती रही क्योंकि एग्रीकल्चर हाँ को हमने कभी बिजनेस समझा नहीं, नहीं, नहीं है हमारे देश में हमने कभी एग्रीकल्चर मतलब हमारा कल्चर है या फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग किसान है तो पूरे देश की भूख मिटाना हमारी जिम्मेदारी है हम आनंद आता है या फिर गवर्नमेंट भी जैसे जय जवान जय किसान इसी इस तरीके से ज़वार, 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 ज़वार स्लोगन तो उससे जो एक इमेज बनती कि किसान मतलब कोई वो सेवा भावी काम करने वाला आदमी है हाँ उसी नजर से वो खुद को भी देखे या मतलब कल्चर है कि मेरे आ, माता पिता मेरे दादा कर रहे थे खेती इसलिए मैं भी कर रहा हूँ करना पड़ेगा हाँ। या फिर हमारी जमीन है और वो जमीन खाली रखना अच्छा नहीं है पुरखों की ये जमीन है इसलिए करना चाहिए तो इमोशनल जो थिंकिंग ज्यादा फार्मिंग में हम लोग देखे तो पूरे देश में उस तरीके से ज्यादा बातें होती है लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है हाँ मतलब लॉजिकली या फिर एक प्रोफेशनली अगर आज देखे जाए तो नाइनटीन सिक्सटी का एक जमाना था कि जब हमारे देश में अराउंड फोर्टी थ्री करोड़ पॉपुलेशन थी और उनको खाने के लिए जितना चाहिए वो अनाज उतना भी हम लोग पैदा नहीं कर रहे थे ऐसी थी और इसलिए तब ये था कि इसलिए कि मतलब प्रोड्यूस मोर ग्रेन फूड सिक्योरिटी के हिसाब से कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैदा और कैसे बढ़ाए इसके सब बातें होती थी इसलिए कि किसानों को कि हम आपको पानी देंगे आपको फर्टिलाइजर देंगे आपको आपसे वो अनाज हम लोग उसको खरीदी भी करेंगे इस तरीके से सिक्योरिटी देके आप बढ़ाओ और प्रोडक्शन बढ़ाओ इस तरीके से तब हम लोग उनको फार्मर को सपोर्ट की बात कर रहे थे इनक्रेज कर रहे थे लेकिन आज की सिचुएशन क्या है तो फार्मिंग एक्चुअली ज्यादा प्रोडक्शन वही प्रॉब्लम है प्रोडक्शन बढ़ा इनकम नहीं बढ़ा इनकम उतना ही है इनकम उल्टा घटा घट गया पहले से आप कह रहे हो नेट इनकम तो घटा ही ना क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई लेकिन मेरे उस हिसाब से सेल प्राइस नहीं बढ़े Market, नेट मार्जिन मेरा खत्म हुआ ये रियलिटी है तो हम लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एज वही वही सीखते हैं ना कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए किस तरीके से हम लोग फर्टिगेशन इरिगेशन मैनेजमेंट से लेके पेज डिसीज मैनेजमेंट से लेके उसके रिलेटेड प्रोसेसिंग ये वो सब चीजें सीखते हैं बट हाउ टू मेक द एग्रीकल्चर बिजनेस सक्सेसफुल

बर्डन बन गया बर्डन बन गया जो जिस चीज के लिए लिया लोन उसमें वह सक्सेस ही नहीं तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आने लगे तो so आपने सर जब आपने खेती स्टार्ट किया आपने भी लॉसेस किया था लॉसेस लौसे, ही लॉसेस मैंने पहले आठ एक साल देखे शुरू पहले आठ साल तो कॉलेज के दिनों में मैंने कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएशन पास करके निकला था तो मैंने वहाँ तब एक दो एकड़ खेती हमने लिस्ट पे कॉलेज के पास से ली थी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मैं तो और वो लैंड पे हमने एक पचास हजार रुपए का मंथली फोर परसेंट इंटरेस्ट का uh, ये ब्याज uh, ये करके, करके uh, प्राइवेट uh, लेंडर से पैसे ले लिए और लिएगे तीन महीने में, दे में वापस दे देंगे क्रॉप था हमारा हमने उसमें प्लांटेशन uh, किया था अभी जिस पंप पे किया था वहां पानी की दिक्कत थी और वो फार्मर ने मुझे बोला कि आ, अगर मैं पैसे उसका एडवांस दूँ तो उसका जो ये है वेल है बाउडी उसका काम करेगा और फिर पानी हो जाएगा तो आ, पानी वो स्वीटकॉर्न के लिए कम नहीं रहेगा और उसका भी काम हो जाएगा तो मैंने ठीक अच्छा है अच्छा समझ के उसको है, हमने दे दिया उसने काम चालू किया सब हमने भी यहाँ सोइंग कर लिया स्वीटकॉर्न का स्वीटकॉर्न एक डेढ़ फुट ऊपर भी आ गया और वो भी उसने भी मेहनत करके उधर वो बावड़ी का काम कर लिया पैसे खर्च हो गए लेकिन पानी नहीं लगा तो क्रॉप उसका भी कोई गलती नहीं थी उसने तो किया तो कोशिश और हमने या हमने भी प्लांटेशन किया करके कि पानी मिल जाएगा सफिशिएंट पानी मिला नहीं सफिशिएंट और वो प्रोडक्शन हुआ नहीं जो पांच टन निकलना चाहिए पर एकर वो एक टन ही निकला चार टन का सीधा लॉस तो लॉस हो गया तो मतलब पचास हजार तो ही नहीं निकला तो वो तो क्या तो मतलब है तो तो अगले सात आठ साल में देखी कि, कि लॉसेस फार्मिंग में होते तो अलग अलग तरीके से होते वो आप शुरू से समझ के नहीं कर सकते पहले से बता नहीं सकते कि ऐसे होगा नहीं समझ एक अगर प्रोफेशनली समझोगे तो होगा किसान शायद ना, ना किसान ने आज जिस तरीके से कर रहे है, है तो है है, तो हैं क्या, क्या -क्या अलग अलग वो हम लोग कंसिडर नहीं करते कि अभी उसके लिए क्या रिस्क मिटिगेशन का तरीका होना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उससे पहले भी सोच के कि करे क्या करे, करे जो एक प्रोफेशनल ना वैसे होता नहीं ना तो एक ना या, एक तरीके से गैम्बल जैसे डिसीजन होते और वो फिर फंस जाते मैक्सिमम टाइम जुगार में वो जैसे होता है ना आप जितना कभी एक बार एक हजार टाइम से आपने कोशिश की तो उसमें हो सकता है एक बार आपको सक्सेस मिले बाकी टाइम आपने ऐसे जिस तरीके से करके कोई मतलब नहीं है राज वही चल रहा है तो वो उस तरीके सात आठ साल के जो मेरे अलग अलग ये रहे अलग अलग खुद के जो एक्सपेरिमेंट रहे तो उसमें से फिर जो सीख बनती गईली क्या हो रहा है लॉसेस के, के कारण एक नहीं है मल्टीपल है और फिर आपको अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको पूरे जितने भी कारण है लॉसेस के सबको करना पड़ेगा सोल्यूशन लाना पड़ेगा वो एक कारण ही है कि मेरे पास पानी नहीं है तो अभी पानी का मैंने सोल्यूशन निकल गया इसका मतलब है अभी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और भी प्रॉब्लम हो वो भी वो फिर मार्केट सिर्फ मार्केट एक प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ मतलब कोई न्यूट्रिशन uh, मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ पेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट देर आर मल्टीपल इशूज और सबको मतलब अगर मैं सोल्यूशन निकालू तो सबको मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जैसे ये क्या ना मतलब अभी राम रावण की लड़ाई में रावण को ये थे दस फेसेस थे दस फेसे। और वो एक तरीके से वो यहाँ अगर हम लोग हमारे लाइफ को भी देखें तो उसी तरीके से वो एक तरीके का वो प्रतीक है कि किस तरीके की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है किसान के लिए तो वो सिचुएशन एकदम क्लियर है कि दस तरीके के प्रॉब्लम को एक साथ फेस कर रहा है वो उसमें से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला इसलिए मतलब आपने रावण पे उस... खत्म नहीं किया हाँ, रावण को आपने खत्म नहीं किया तो आपको करना होगा तो दस के दस फेसेस को उनको खत्म करना पड़ेगा तो वैसे तरीके से आपने करते करते एग्रीकल्चर में कि हमें सब प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए राइट एक जो है ना राइट पॉइंट पे हिट करना पड़ेगा करेक्ट तो एग्रीकल्चर को मैंने उस तरीके से मुझे खुद के एक्सपीरियंस से मैं समझ से गया कि हमें इकोसिस्टम ये मस्ट है मैं सिर्फ प्रोडक्शन करके मेरा

उसी को मतलब तो वो क्रॉप है उसी में वैसे रेजिस्टेंस कैसे आए वो वैसे वही वैसे लाए दिस इज द फर्स्ट टाइम मतलब एक्शन हो सकता है और वो करने के लिए अभी ऐसे वैरायटी कोई ऐसी फ्री में तो कोई मिल नहीं रही है तो वो कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लेवल पे वो ये होना कन्विंस होना कि वो वरायटी मुझे दे अभी सयादरी का जो सिस्टम बना इको सिस्टम इसमें जो पॉसिबल है

तो लेकिन जब प्रोड्यूसर कंपनी का मॉडल बना तो इसमें तो वो सब सोल्यूशन निकलाये पांच हजार किसानों का हजार, दस हजार एकड़ का अगर ब्रेडर को मिल मिल रहा है, मिल रहा है है एक्सेस और वो भी विथ प्रॉपर सिस्टम सिक्योरिटी तो बन गया तो वो इस तरीके का जो सोल्यूशन है ये बने बिकॉज ऑफ द इको सिस्टम बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिर वो इसी तरीके से फिर कोई अभी प्रोसेसिंग बेरी जो क्रैक हो गया

और ये सोल्यूशन इंडिविजुअल आदमी नहीं लेके सकता नहीं तो ये इको सक... बनना एंड टू एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड पूरा एक वैल्यू चेन वैल्यू चेन एंड बने तभी खेती में सक्सेस आ सकती है सक्सेस आ सकता है और वो वैल्यू चेन भी वो खुद किसान बने वो बनाए वो कोई प्राइवेट बार से आदमी बनाएगा तो वो तो वो जो भी कुछ होगा सेविंग होगा बेनिफिट होगा वो तो वो खुद के पास रखेगा ना वो क्यों किसी को, को देगा नहीं? तो मैं मतलब मैं फार्मर, मैं मैं खुद खुद ही ही मतलब एज अ फार्मर मेरी और अकेला नहीं बना सकता इसलिए मैं मेरे बाकी किसानों को साथ में साथ में जोड़ू, साथ में जोड़ू और सब मिला के हम बनाए तो यही रास्ता है सर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मैं पूछ सकता आपसे सहदरी फार्म्स अभी का नेटवर्थ क्या है कितना पैसा कमाती है सयादरी फार्म्स तो फार्म का पिछले साल का एक आ, हजार करोड़ प्लस का टर्न था फार्मिंग कंपनी आर डूइंग करोड़ लास्ट ईयर था अभी इस साल हम लोग पंद्रह सौ करोड़ को टच करेंगे क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने लास्ट तीन साल में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका अभी उस तरीके से ग्रोथ है अगले तीन साल कम से कम हम लोग फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट से ग्रोथ करते रहेंगे और एक सेकेंड क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हाउ फार्म्स मेक दिस मनी आपने एफ पी ओ मॉडल के बारे में बताया कि आपने एक और कम्युनिटी तैयार किया है वो थोड़ा समझा सकते हैं कि एफ पी ओ मॉडल क्या होता है एंड हाउ आर यू यूजिंग एंड फॉर एवरी वन इन समझाया कि कलेक्टिव फार्मर कलेक्टिव चार सौ पांच सौ फार्मर एक साथ आके और उनका जो है जो भी कॉमन इशूज है वो एक फ्रंट पे उसको सोल्यूशन लेके आए जैसे अभी आज हमारे सयादरी में जो अंगूर किसान है जो शुरू के दौर में एक साथ आते गए सात 700 प्लस किसान 726 किसान अंगूर के अंगूर के किसान साथ में आते गए और हर एक किसी का दो एकड़ तीन एकड़ ऐसे लेकिन सब मिला के वो अराउंड एक पांच हजार एकड़ एरिया सारे सर किसान महाराष्ट्र में नासिक के अराउंड ही ना हमारे यहाँ दो 200 गांव है अराउंड प्लस माइनस उसमें से है तो उसमें फिर जो अभी खेती तो किसान खुद ही कर रहा है खेती कोई प्रोड्यूसर कंपनी नहीं कर रही है जो फार्म लेवल का काम है वही कर रहा है हर किसान एक कर। किसान कर रहा है लेकिन फिर जो कॉमन चीजें कॉमन चीजें मतलब अभी हार्वेस्टिंग का काम है मार्केटिंग का काम है स्टोरेज का काम है पीछे या पीछे कोई या ये, प्रोसेसिंग का भी काम, भी काम है आगे इनपुट का, का काम है टेक्नोलॉजी है ट्रेनिंग है तो ये चीजें कॉमन ये पीसी के लेवल पे हो रही है जो आप कर रहे हैं उनके लिए अभी इसमें सब किसानों का शुरू का कैपिटल हरेक का हरेक ने जिसकी वजह से क्षमता थी वैसे उसमें डाला है तो सर जो इतने सारे किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सब कंपनी के कहलाते हैं वही बोल रहा ना किसान को समान उनको वोटिंग का राइट है बोर्ड okay. ऑफ like नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ऊपर बनेंगे लेकिन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चुनेगा तो सब जो शेयर होल्डर है वही चुनेंगे okay, जैसे okay, कोई okay. भी कोऑपरेटिव आपने ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव जैसे वैसे ही अमूल अमूल हाँ, तो बड़ा कोऑपरेटिव का एग्जांपल है हुँ. तो कोऑपरेटिव बेसिकली जो कंसेप्ट है कि जिसमें सब शेयर होल्डर सबको इक्वल वोटिंग राइट है हुँ. आपको मतलब वन पर्सन वन वोट एक व्यक्ति एक वोट हर एक किसान को, तो सब को एक तो सबको एक वोट मतलब तो सब मिलके फिर कॉमन मतलब तो सब इक्वल है कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है हर एक किसान को जो छोटा हो एक एक हेक्टर वाला उसी को भी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही वॉइस है उतना ही उसकी सुन सकते हैं कि क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को एक वोट हो तो फिर वो सब मिलके जो डायरेक्टर है उनको सिलेक्शन से लेके या फिर उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है कंपनी के कोई भी प्रोग्रेस के बारे में तो सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको एक अपनापन का फीलिंग भी आता है अपनापन का फीलिंग, तो का ओनर ना वही मालिक है जैसे मैं मेरी खेती का मेरे जो लैंड है उसका वो मालिक हो वैसे कंपनी में भी मैं मालिक हूँ तो मेरे खेत में जो डिसीजन ले रहा हूँ मैं से, मैं मेरे खुद ले रहा हूँ ना मैं कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा वैसे वो कंपनी में डिसीजन 400-500 लोग मिलके ले रहे हैं उसमें कोई बाहर से आदमी आके कोई उसमें इंटरफेयर नहीं, 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 नहीं कर रहा है तो ये आ, मेरे जो है प्रॉब्लम जो खेती के मतलब प्रोडक्शन के लिए प्रॉब्लम है उसके लिए मैं खुद दिशा ले रहा हूँ उसके लिए मुझे आ, मैं, ये PC, उसमें सपोर्ट कर रही है टेक्निकल कुछ गाइडेंस दे रही है आ, बाकी उसमें रिलेटेड कुछ जो चीजें इनपुट है या फिर कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो उसमें मुझे सपोर्ट मिल रहा है और फिर जो आगे मेरे प्रोड्यूस निकलने के बाद जो जा रहा है तो उसका फिर वहां जो कुछ होगा सेल क्या करना है एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है प्रोसेसिंग करना है नहीं करना है स्टोरेज करना है नहीं करना है उसके जो डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी मेरी तरफ से लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ अगर वो गलत काम करे तो मैं उनको नीचे भी लेके आ सकता हूँ तो ये अधिकार जो है तो इससे फिर मतलब पूरी जो इकोसिस्टम बननी चाहिए हम बात कर रहे हैं कि ये पूरी वैल्यूशन जो बननी चाहिए तो रॉ मटेरियल मतलब सीड से लेके प्लेट तक सीड मैंने जमीन में डाला वहां से प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल है वो फील्ड तक बना और वहां से फिर आगे का जो काम है पोस्ट सर्विस मार्केटिंग वो एपीसी के लेवल पे बना तो ये जो सोच है मतलब ये आ, हमारे देश में ऑलरेडी मिल्क सेक्टर में है दूध में तो हम लोग देखते है कोऑपरेटिव सब बने हैं और वो का वैसे अच्छा काम करके दिखा रहे हैं अमूल जैसा एक बड़ा सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अपने वही मॉडल को खेती में लाया हाँ, हर एक खेती मतलब आप किसी भी कम्युनिटी को आप समझो कोई भी कम्युनिटी है मिल्क इजो वन कम्युनिटी बराबर है ना जैसे मिल्क है वैसे ही आप उस नजर से आप टमाटर को देख सकते हो या फिर आप कोई फ्लावर्स ग्रीन हाउस में प्रोड्यूस कर रहे तो उसको वैसे देख सकते हो या फिर ग्रेप को देख सकते हो या फिर सोयाबीन या फिर दाल क्या आप सब चीज़ नाम सब लो ना? लो खाते हैं हाँ। लेकिन सब में तो प्रॉब्लम जैसे ये सेम है ना दूध में जैसे छोटे छोटे किसान हुँ. मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी के पास एक गाय है किसी के पास दस गाय है ऐसे छोटे छोटे है लेकिन सब मिलके सबने मिला के डेयरी कलेक्टिव बनाया कलेक्शन सेंटर फिर उसका प्रोसेसिंग एक सेंट्रलाइज पॉइंट उसका मार्केटिंग तो जो चेन बन गई ना जो वैल्यू चेन बनी वैसे हमें हर एक बाकी भी कम्युनिटी में करना पड़ेगा तो वो तो प्रूव है ना जी, जी. वो तो सक्सेसफुल मॉडल है कि ऐसे करना पड़ेगा अगर मिल्क में हो सकता है तो मेरे अंगूर में क्यों नहीं हो सकता मेरे टमाटर में क्यों नहीं हो सकता अभी टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकते अलग अलग मिल्क का जो है उसका जो नेचर है वेदर जैसे फैक्टर्स उसके हाँ, है तो उसके न... नहीं नेचर के हिसाब से प्रोडक्ट को हैंडलिंग का नेचर बदल जाता है ना टमाटर और मिल्क okay, दो अलग चीजें तो दोनों को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा तो टेक्निकली डिजाइन में हो सकता है लेकिन जो फिलोसॉफी है कोर फिलोसॉफी कोर फिलोसॉफी कि आपको वैसे छोटे छोटे लोग है आप तो साथ में आओ और जो चीजें आप अकेले नहीं कर सकते उसको कॉमन ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आप करो लेकिन पूरी चेन बनाओ प्रोड्यूस करने से लेके मार्केट तक कंज्यूमर तक आप ही करो करेक्ट आप वो वो आपका अंगूर लेगा और फिर वो एक्सपोर्ट करेगा और आपको पैसे लाके देगा या वो प्रोसेस करेगा फिर आपको लागे देगा ऐसे क्यों कर, आप सोचो आप खुद ही करो आप आगे का ही काम करो बिल्कुल सही

रजिस्ट्रेशन तो अभी आपने फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के तीस कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें तो कम से कम आ, आ, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड तीन लाख है ग्रुप छोटे किसानों का नहीं नहीं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मो प्रोड्यूसर कंपनी तीस हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप और फिर ऐसे वो भी लाखों में है तो बने तो बहुत है लेकिन सक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं? नहीं हो क्यों हो रहे सक्सेसफुल होना ऑर्गेनाइजेशन कोई भी तो उसके पीछे जो कारण होते हैं कि पहले तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है लेकिन वो चलाना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ओनरशिप ओनरशिप अभी जैसे हम लोग अगर थोड़ा एक एग्जांपल ले कि ये कोई फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ए पी ओ कैसे है एक बस जैसी है बस जैसी पब्लिक बस होती है ना इसे तो मैं पैदल चल रहा हूँ मुझे नासिक से पुणे जाना है पैदल चलूंगा तो कब पहुंचूंगा धूप में चलूंगा तकलीफ हो रही है तो अकेला तो मैं पैदल ऐसे चलते रहूंगा तो तक ही जाऊंगा तो मैं सोचू कि मैं अच्छी कोई गाड़ी होगी तो तो मैं गाड़ी ले जाऊं लेकिन मेरी मेरी ताकत नहीं है खुद की गाड़ी लेना बराबर है ना करेक्ट तो फिर मैं क्या सोचता हूँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो मैं उसमें है है है। ऐसे होता है ना करेक्ट तो खेती में इसे मैं, मैं मुझे इको सिस्टम बनानी है।, है लेकिन मेरे अकेले की तो एक दो एकड़ पे नहीं बन सकती इसलिए मैं कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में उसका पार्ट बन रहा हूँ तो बस में बैठ रहा हूँ अभी बाकी बस, लोग चलना चाह रहे हैं लेकिन बस चलाना वाला बस में सब बैठ गए सब ये पीसी मतलब एक बस तो सब लोगों ने मिलके एक बस बना ली सबका ट्रेवल अच्छा हो और वो सेफ भी हो उसके लिए फास्ट भी हो लेकिन अभी अच्छा ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी कैसे जाएगी ड्राइवर मतलब कौन है तो गाड़ी के चलाने वाले जो डायरेक्टर है यूपीसी चलाने जो डायरेक्टर है अभी वो डायरेक्टर जो है उसको पूरा गाड़ी का जो पूरा है एक तो चलाने का मकसद गाड़ी क्यों बनी है उसके पीछे उसका फिर इंटेंशन नहीं क्या वो अगर ऑनेस्टली गाड़ी चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वो एक तो वो खुद ही दूसरा कुछ एजेंडा के लिए गाड़ी चला रहे पर्सनल एजेंडा कुछ लगा है कि उसका पॉलिटिकल कुछ व्हील है उसके लिए उसको ड्राइवर बनना है डायरेक्टर बनना है या सिर्फ उसको ऐसे शो करने के लिए उसको बनना है तो तो जगह उधर सब ये करेगा वो जगह को वेस्ट करेगा लेकिन गाड़ी को चलाएगा भी नहीं गाड़ी वैसे नाम की गाड़ी बन... चलेगी भी भी नहीं वो भी नहीं वो पड़ेगा तो मतलब वो खुद का जो ड्राइवर है ना जो गाड़ी का उसका इंटेंशन जरूरी है उसको विजन की जरूरत है उसको गाड़ी किस लिए बनी है लोकेशन कहा जाना है कहाँ जाना है कितनी देर में जाना है तो जाना है तो रस्ते में क्या क्या दिक्कतें है उसको कैसे हैंडल करना है कई बीच में ट्रैफिक है कई कुछ में ब्रिज टूटा है अभी वो पॉइंट पे क्या करना है गाड़ी को कैसे घुमा के लेके जाना है क्या करना है कुछ सोचना पड़ेगा ना सिर्फ बैठ गया स्टेरिंग पकड़ ले, गाड़ी नहीं ना लोगों को पता ही नहीं है कि अभी उसके साथ कैपेसिटी भी होगी चाहिए उसको मतलब उसको टेक्निकली समझना पड़ेगा उसको मैनेजमेंट स्किल उसके पास होनी चाहिए तो ये सब चीजें जो है वो नहीं है तो गाड़ी वैसे चल जाएगी तो फार्मापोर्ड प्रोड्यूसर कंपनी बहुत सारी जो यह है मतलब तो आप देखोगे तो नाम के लिए बनी है और कुछ नहीं कर रहे तो उसमें कारण यही है जो तो तो नहीं। नहीं। वाले जो तो वाले है ना वो अगर ऐसे सोचते बैठेंगे कि अभी कोई बाहर से आगा तभी होगा मतलब मैं डायरेक्टर बना बनाऊ लेकिन मेरे पास अभी गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया तो मैं करूंगा हु हु। वैसे नहीं होगा तो सब सोचना पड़ेगा ना गाड़ी चलाने के आप गवर्नमेंट जो नहीं कर सकती वो करने के लिए आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो आप फिर गवर्नमेंट को लोगों को लगता है गवर्नमेंट कुछ करेगा कर तब होगा ये क्यों सोच रहे हो सोचो मत ना सोचो यही कि कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट इसलिए मुझे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसलिए मैंने वो जगह पे मैं बैठा हूँ तो आपको से खुद को पहले तो वो जो भी एपीसी के डायरेक्टर है उनको इस हिसाब से समझना पड़ेगा उनको और फिर अगर वो नहीं कर पा रहे तो उन्होंने दूर होना चाहिए उन्होंने जगह को जो कैपेबल लोग है उनको उधर लाके बिठाना पड़ेगा दो चीज है ना एक तो आप करो आप ही बदलो आपकी सोच ही बदलो या तो फिर दूसरे कोई जो कैपेबल है उसको उधर बिठाओ जो कर सकता है खुद नहीं करने तो लेकिन वो को करने चलाना पड़ेगा जो पाँच सौ लोगों में से जो है वैसे कैपेबल उनमें से किसी को चलाना पड़ेगा वैसे कैपेबल लोगों को उधर लाना पड़ेगा और कैपेबल मतलब वो उसके पहले तो सोच ऑनेस्टली <laughs> वो काम करे विजन के साथ करे विध प्रॉपर कैपेबिलिटी नो no, ओनरशिप नहीं ये नहीं सोचे कि दूसरे आके मेरा मदद करेगा गवर्नमेंट आएगा ये सब होता नहीं है ओनरशिप तो उसको रखनी पड़ेगी लेकिन उसको उससे थोड़ा एक स्टेप जाके आगे जाके करना पड़ेगा ये जो है पाँच सौ तो लोगों की जिम्मेदारी मेरे पे है तो मुझे ये करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैं ये नहीं सोचकर पाँच सौ लोग सब मिलके कुछ करेंगे तभी मैं कुछ करूंगा आप थोड़ा कैपेबल हो आप बाकी लोगों से दो स्टेप आगे हो इसलिए आपको उधर बिठाया Correct. तो आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा ओनरशिप लेके लोग ओनरशिप करके थोड़ा सेक्रीफाइस करके करना पड़ेगा गांव में मंदिर बनता है मंदिर की ओनरशिप किसकी होती है अकेले आदमी की होती है पूरे गांव की होती है ना और मंदिर के वो बनाने में सब लोग उसमें हाथ बटोरते हैं जैसे हो सके आपने हजार रुपए दिया मेरी थोड़ी ताकत बड़ी इसलिए मैंने दस हजार दिया इनकी ताकत ज्यादा इसलिए इन्होंने एक लाख दिया Correct. और किसी ने एक रुपया दिया गांव में हर एक की कैपेसिटी है इस जब से मंदिर को लोग डोनेट करते मंदिर की ये करने के लिए नई इमारत बनानी कुछ करनी है लेकिन फिर उधर जाके कोई ऐसे हक नहीं करता ना कि मैंने ज्यादा पैसे दिए इसलिए मेरा मंदिर पे ज्यादा अधिकार है Correct. क्या सोच होती है सब साथ में करें सब साथ में तो मैंने किया तो मेरे गांव के लिए किया। अपना होता है मेरा जो कर्तव्य वो किया लेकिन उसके लिए मैंने ज्यादा टाइम दिया ज्यादा कोई खर्चा किया तो उसका मुझे कोई घमंड नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैंने तो मेरी ड्यूटी उसी हिसाब से करना चाहिए ऐसे फिर मंदिर बनाने में देखिए आप कोई मंदिर में ना गांव के चार पांच लोग ज्यादा मेहनत करते

Correct. तो यूपीसी में वैसी तरीके से लीडरशिप चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एज अ ड्यूटी इफ दे आर एक्चुअली डूइंग देयर वर्क और ऑनेस्टली अगर उस हिसाब से उनके काम को समझ रहे हैं तो फिर चेंज दिखेगा चेंज दिखेगा हमें वहाँ वहीं पे हमारी एक्चुअली uh, थोड़ी सी दिक्कत है और उसमें खास करके जो यंग यूथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नए जो भी बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं पूरी दुनिया में एक्चुअली टेक्नोलॉजी मेन तो काम कर रही है, है। तो ऐसे मतलब किसानों के कम्युनिटी से ऐसे लोग जो कैपेबल है टेक्निकली कैपेबल है क्षमता है जो पूरी दुनिया अभी समझ सकती क्या हो रहा है वो उस तरीके के लोग आगे आने चाहिए खास करके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जिन्होंने चार साल छह साल तो पढ़ाई भी की है टेक्निकली भी वो समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है में। और उसके साथ उनमें अगर ये दिशा आए की ये काम हमारी हमारी कम्युनिटी के जरूरी है और उस उस मेरे जिंदगी का मकसद भी है ऐसे सोच से लोग अगर ये पीछे मूवमेंट में आए तो फिर बदलाव तो आपको दिखेगा हाँ दिखेगा और जल्दी दिखेगा

नुकसान हुआ ऐसी चीजें तो वहा मुझे अगर इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल रही है क्या होने, होने वाला है अगले आठ दिन में क्या होने वाला है किस तरीके से क्लाइमेट बदलने वाला है तो मैं प्रिपेयर रह सकता हूँ ना आज फिर जो है टेक्नोलॉजी की वजह से मोबाइल में मुझे अगर रोज के रोज इंफॉर्मेशन आ रही है क्या होने वाला है आठ दिन के बाद चार दिन के बाद तो मैं उस हिसाब से मुझे ये कर सकता हूँ प्लान कर सकता हूँ तो सयादरी में ये सब जो है पूरे वेदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक हमारे मेंबर के पास हमारे ऐप थ्रू जाती है उसके साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाती है तो क्या करना है उसका एडवाइस भी जाता है किस तरीके से अभी हमें आठ दिन अगले चार दिन में काम करना है उसका भी एडवाइस जाता है तो आपने आप वो जो है राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम hmm. so हाँ एक्शन राइट टाइम पे है तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा आप लॉसेज सेव कर सकते हो उसी तरीके से अभी जो कुछ है कि मार्केट में जो कुछ हो रहा है मार्केट में क्या कंज्यूमर की डिमांड है वो और उस हिसाब से क्या आपके प्रोडक्ट में कैरेक्टर जरूरी है तो उसका भी इंफॉर्मेशन अगर शुरू से तो फिर आपने आप उसका भी राइट तरीके से बेनिफिट हो सकता है अभी जो बारिश आई थी इसमें आप लोग ने प्रेडिक्ट कर पाए थे कि ऐसा होगा हम्म प्रेडिक किया था एक्जैक्टली exactly कितना बारिश आने वाला है कौन एरिया में कितने आने वाला है और उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा क्या स्टेप्स करना पड़ेगा तो जो है ऐसे सिचुएशन लॉसेस हम लोग कम कर सकते हैं को कम लॉसेस हाँ। पूरे अवॉइड नहीं कर सकते बट हम लोग कम कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट टूल जैसे ये टेक्नोलॉजी का रूल हुआ वैसे आगे फिर जो है कि प्रोसेस लेवल पे आगे हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्टिंग के ऑपरेशन है मल्टीपल इतने फार्म से अगर अंगूर आ रहा है और वो पर्टिकुलर पीरियड में आपको हार्वेस्ट करना है तो उसका मैनेजमेंट जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है या फिर पूरा मैन पावर मैनेजमेंट है ये सब में टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है अभी हमारे ऐप्स है कि जो पूरे हर जगह पे क्या हो रहा है अभी कम से कम अगर आ, सत्तर अस्सी जगह पे हार्वेस्टिंग हो रहा है तो व्हीकल किधर है उधर का एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो पर्टिकुलर प्लॉट का क्या पोजिशन है सब सबको एक ट्रांसपेरेंटली टेक्नोलॉजी uh, की वजह से uh, समझ में आता है तो डिसीजन वहां भी बेटर होते, होते है करेक्ट वैसे फिर कंज्यूमर के एंड पे भी कंज्यूमर को एग्जैक्टली exactly क्या वो जो अंगूर है या फिर जो हमारी फल सब्जी है वो उसके पास आ रही है तो वो कैसे आई है ट्रेसिबिलिटी ट्रेसिबिलिटी पूरी कि जो मतलब वो खेती में क्या हुआ है फिर उधर आगे पैक हाउस में क्या हुआ है और उसमें जो दवाई है तो कितनी उसमें परसेंटेज है क्या है जो भी कंज्यूमर के माइंड में खाने वाले के माइंड में जितने क्वेश्चन है उसका सवाल अपना जवाब वो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के वजह से फोन या सकता है। तो ट्रेसेबिलिटी और ट्रेसिबिलिटी है तो कंज्यूमर फिर उसके माइंड में कॉन्फिडेंस होगा नहीं का वो विश्वास होगा क्या तो मैं खा अच्छा है हाँ भाई खा रहा हूँ वो अच्छा है वो नेचुरल है ऑर्गेनिक है रेसिडी फ्री है तो ट्रस्ट है इसलिए फिर वो डिमांड कर रहा है वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं इसलिए सप्लाई भी बढ़े मेरे फार्मिंग में मुझे उसका फायदा मिल रहा है तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से अभी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी का भी आपने इकोसिस्टम बनाया है इन अ वे हर एक चीज में आप देखोगे अभी टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ ऐप बनना नहीं है कोई सिर्फ मोबाइल को कोई ऐप बनगा ये नहीं है आप हर एक तरीके से आप देखोगे तो अभी प्रोसेसिंग के इक्विपमेंट है अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट है पहले मतलब हमने कभी आ, आ, कोई चीज का शेल्फ लाइफ पे ये करना है उसको बढ़ाना है नेचुरल प्रोडक्ट है टोमेटो है या फिर कोई ग्रेप्स है तो उसका चार दिन आठ दिन शेल्फ लाइफ होगा लेकिन वो चार दिन की जगह चार महीने करना है तो उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो पूरी, पूरी प्रीकूलिंग कोल्ड स्टोरेज पूरा कोल्ड चेन वो होगा तो तभी होगा उसको सही तरीके से वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे तभी फिर उसका शेल बढ़ गया शेल बढ़ गया इसकी वजह से फिर मेरी निगोशिएशन पावर बढ़ गई निगोशिएशन पावर बढ़ गई इसलिए मेरा मुनाफा बढ़ गया करेक्ट तो ये ऐसे जो है आप डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करो या फिर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे सब मतलब टेक्नोलॉजी इज रियल गेम चेंजर हर एक सेक्टर में हो रहा है बाकी सेक्टर में तो हम लोग तो देखते हैं किस तरीके से हमारी दुनिया बदली है तो एग्रीकल्चर में भी देखने देखने। जो कुछ होगा जो भी बदला मतलब जो भी हम लोग मेन हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन अलग अलग, अलग प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन गवर्नमेंट देगा कि नहीं देगा मुझे मालूम नहीं

ऐसे सिचुएशंस क्यों आते हैं सर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट से जहां प्राइस वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो ऐसा होता क्यों है जनरली देखिए अभी वही फिर अगर सिस्टम नहीं इको सिस्टम नहीं है तो ऐसे प्रॉब्लम तो आएंगे तीन रुपये टोमेटो फिर सौ रुपये हो जाता है दो महीने में फिर सौ से वापस दो हो जाता है अगले एक महीने में क्यों हो जाता है तो बेसिकली जब दो तीन रुपए टमाटो है तो किसी को टमाटो लगाना नहीं है hmm. और टमाटो फिर किसी ने लगा नहीं इसलिए शॉर्टेज हो गया खाने वालों को तो खाना है शॉर्टेज है फिर भी खाना है तो डिमांड बढ़ गई डिमांड की वजह से रेट बढ़ गया अभी रेट बढ़ गया तो सबको अभी टमाटर लगाना है डिमांड एंड सप्लाई सबने टमाटर लगा दिया सौ रुपये सब कुछ है ना तो सबने लगाया इसलिए टमाटर ज्यादा हो गया खाने वाला तो उतने खाएंगे ज्यादा प्रोडक्शन होगा अभी उसका क्या करें उसको तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे खाना भी पड़ेगा नहीं तो खराब होने वाला है तो सप्लाई डिमांड का जो है ना कोई भी कम्युनिटी का बैलेंस करना जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई करो रेट स्टेबल होंगे कैसे लेकिन, लेकिन किया हाँ, तो वो जो है ना बेच वाला लेकिन आपने सरप्लस प्रोडक्शन किया डिमांड के अगेंस्ट उतना ही सप्लाई किया तो सरप्लस का तो रोल बन जाता है आपको टमाटर दे रहा हूँ फ्रेश फॉर्म में बराबर है ना आपको टमाटर खाने आप कैसे खाते हो आप फ्रेश करके स्लाइस करके, स्लाइस करके खाते करके हो या उसको आप सब्जी में डालते हो सब्जी में डालते हो तो क्या करते हो उसको वो जो टमाटर की पेस्ट ही बनाते हो आप

हाँ तो मतलब वही ना किसान मतलब हमारे मेंबर को मिल सकता है exactly. मिलेगा कि सरप्लस करेंगे तो exactly. सरप्लस का मैनेजमेंट करेंगे तो अभी स्टॉक मार्केट की आप कर रहे हो उसकी आप जिसका बात कर रहे थे, जी. कि एक का फायदा क्या होता है टमाटर और मिल्क दोनों में सबसे ज्यादा पेरिशेबल कौन सी चीज है ज्यादा खराब कौन सा होता है जल्दी नहीं प्रोडक्शन किया उसके बाद खराब जल्दी कौन सी चीज हो जाएगी ना चार्क मतलब अगर तो चार घंटे में ठंडा नहीं, तो नहीं, नहीं किया तो खराब हो जाएगा चार घंटे टमाटर आपने हार्वेस्ट करने के बाद कम से कम चार दिन तो रोकोगे ज्यादा खराब होने की चीज कौन सी है दूध है लेकिन दूध के भाव में ऐसे अप डाउन होता है क्या दूध आपने कभी सुना है क्या चालीस रूपए है पिछले महीने वो चार रुपए था फिर अभी वापस फिर चालीस रुपए के बाद फिर और कुछ दिनों के बाद दस रुपए हो जाएगा ऐसे होता है क्या चालीस को होगा ना तो थर्टी एट हो जाएगा एक दो रुपए का फ्लक्चुएशन आएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा हम्म करेक्ट आज हम लोग ये, ये, ये वो चीज को मिल्क में ऐसी स्टेबिलिटी ला सके क्यों तो इको बनी है अगर थोड़ा पीछे जाते पचास साल पहले आप अगर वो पूरा समझते इको सिस्टम नहीं थे तब क्या हो रहा था मिल्क का तो वैसे हो रहा था तो आप कह रहे हैं वैसे ही जाता था खराब हो जाता था लोगों को ऐसे ऐसे लूट भाव में देना पड़ता था जब ज्यादा होता था और जब शॉर्टेज होता तो फिर वैसे रेट कभी कहीं भी जाते थे लेकिन फिर मिल्क में वो बना इको बना इस तरीके से पूरे जब मिल्क का प्रोडक्शन जितना हो रहा है तो उसमें अगर सरप्लस है उसको प्रोसेस करो मार्केट में जितना डिमांड है फ्रेश का उतना ही जाने दो तो बीच में डेयरी आ गई ना डेयरी आई है डेयरी की वजह से मतलब वो मैनेजमेंट इसका सरप्लस का मैनेजमेंट या सप्लाई डिमांड के हिसाब से मैनेजमेंट ये होने लगा तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी है बराबर है ना मिल्क में वो स्टेबिलिटी आई बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम और टमाटर में हमें लाई नहीं या बाकी कोई दूसरी चीज में लाई नहीं तो फिर उसका दिखेगा ना सर क्या से फिर अपडाउन हो गया दो रुपए का सौ रुपए हो गया सौ रुपये का चार रुपए हो गया कह रहे हैं फ्यूचर में ये भी स्टेबल हो सकता है हंड्रेड परसेंट हो सकता है क्यों नहीं हो सकता करेक्ट वो तरीके से सिर्फ का, काम करना पड़ेगा समझ गया वो तरीके का जो सिस्टम मिल्क में वो यहाँ भी बनाना पड़ेगा सर बिफोर वी एंड में थोड़ा समझना चाहता हूँ अबाउट यू एज अजनेस बिजनेसमैन सर इस बिजनेस समथिंग आपको लगता है इज फॉर एवरीवन क्या अर्ली ऑन किसी को एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैं ऑन्टरप्रनर बन सकता हूँ डू यू थिंक एवरी कैन बिकम एन ऑन्टरप्रनर की इट्स ओनली फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल देखिए आपकी सोच क्या है इस इसपे डिपेंडेंट है आप आपके पास बनने की कैपेसिटी के नहीं मैं सोच को ज्यादा कैसे वो आपता आपता करते हैं जैसे यंगस्टर्स को अगर आप आप देखिए क्या, क्या आपकी पते? सोच क्या है आप प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हो कोई भी प्रॉब्लम है जिंदगी में उसको आप उसको ये करना उसके साथ लड़ना चाहते हो या उससे भागना चाहते हो आपका नेचर क्या है आपको कोई सेफ जोन में चलना है या आपको इसमें एक खुली हवा में जिस तरीके से वो नेचर को उससे एक्सपीरियंस करते करते चलना है वो तो रहे मतलब है आंतरपुनर क्या होता है कि कि मतलब क्या कि वो है वो रेडी है टू टेक द रिस्क अंतरपुनर मतलब लोगों के मन में अगर कोई ऐसी भावना है आंतरपुनर मतलब कोई बिजनेसमैन मतलब पैसे कमाने के सोच वाला पैसा बाद में बात है वो आएगा आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं है आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो क्या बराबर है ना कोई भी रिस्क एपेटाइट जो कहते हैं वो लेकिन मतलब तो पहले तो आप अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जिंदगी में इस तरह की सोच है क्या आपके क्या आप मतलब तो आप यंग एज में हो बीस की इक्कीस का आपका एज है और आपकी लाइफ के बारे में आपकी सोच है कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा में तब तक मुझे ना ऐसे ना कोई दिक्कत नहीं चाहिए एकदम आराम से मुझे जिंदगी चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए कि कोई टेंशन ही नहीं तो आप क्या सोचोगे यार गवर्नमेंट जॉब में जाओ टेंशन मत लो वहाँ सिक्योरिटी है काम करो ना करो पगार मिलता है रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलता है वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए जो तो सेफ जोन में जाने वाले लोग जाएंगे इक्कीस की एज में वो आप, आप सोचोगे मुझे जिंदगी ना मेरी तरीके से जीने मुझे तो खुल के जिंदगी है मुझे समझना है पूरी जिंदगी को समझना है लाइफ को समझना है उसमें फिर वो मिशन में मुझे जो कुछ मैं ऐसे कुछ चीजें एक्सप्लोर कर तो मैं करूंगा। जो मुझे करूंगा। ना? तो ऐसी जिसमें मुझे आनंद है वो मैं जिंदगी भर करू hmm. वो सबसे अच्छी जिंदगी है ना करेक्ट अभी उसी को लेकिन उसके साथ जो भी कुछ है कि मतलब एक

नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा मैं प्राइवेट जॉब करूंगा तो कितना मिलेगा उस जगह मैं बिजनेस करता हूं सिर्फ पैसा समझ के अगर कोई समझ, किस तरीके कर रहा है कि मैं अभी कोई करूं बिजनेस से कोई एंटरप्राइज वो फेल होगा वो माइंडसेट होना चाहिए कि समझ रहा है खुद की जिंदगी जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए किसमें खुशी है जो समझेगा वो फिर वो ये ये नहीं ऐसे बात नहीं करेगा अरे मैं करूंगा लेकिन फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा वो तो ये समझेगा वो फेल होना सक्सेस होना वो सब है ना इट्स तो पार्ट ऑफ लाइफ आज धूप है कल अंधेरा हो गई आज अंधेरा है कल सुबह होगी वो तो चलेगा रोज हो रहा है वैसे ही आप और डाउन लेकिन मैं सबको एंजॉय कर रहा हूँ रात को भी और दिन को भी नेचुरल देख रहा हूँ ना करेक्ट रात हो गई इसलिए अभी मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेड हो गया रात जिंदगी तो में अगर इस तरीके तो वो फिर आप आपने बहुत अच्छा चीज बोला सर वो हॉबी के बारे में क्या ये जरूरी है कि हॉबी से आदमी बिजनेस करेगी कई लोग कहते हैं कि बिजनेस अच्छी बात है ना अगर जो आपकी जिसमें हॉबी है हॉबी मतलब जिसमें आपको आनंद है उसी में आप काम कर रहे हो वो तो आदमी के लिए सबसे अच्छी बात है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसको खेलने में अच्छा लग रहा है और उसी से उसका ओवरऑल कुछ जो बिजनेस है वो भी बन रहा है वो तो सबसे सुखी है मैंने खेती को तो वैसे देखा मुझे आनंद दे है इसमें कि और मैं इसलिए आनंद है कि मैं मेरी जो है मेरी जो ड्यूटी है मेरी कम्युनिटी के लिए मेरे फैमिली के लिए वो कर रहा हूँ और वो करते करते ये सब पूरी जो चीजें खड़ी होती होती जा रही है उसको तो एंजॉय करते जा रहे हैं अब अपने काम जो कर रहे हो उसमें मस्ती होना चाहिए एंजॉयमेंट होना चाहिए सर किसी भी बिजनेस में लाइक सब लोग कहते हैं मार्केटिंग इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर राइट बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग ये सब सैलरी में मैं देखा हूँ like एक के थ्रू ही मार्केटिंग कर रहे हैं और इस जो आपका है, like तो आप सकते हैं कि वॉट इज मार्केटिंग टू यू आप में इसे कैसे हैं। तो में कैसे करते तो देखिए मैंने एक समझा कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बेसिक नीड है हर एक के. वो तो उसको खानी है, बेसिक है. तो मुझे कोई ऐसे नहीं कि उसको जबरदस्ती उसको कन्विंस करना है खाओ 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 बराबर है एक्चुअल मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन करने वाले है अभी वो सब में मेरी वो मुझे क्यों चुने ये मेरा प्रॉब्लम है मार्केटिंग करना तो मुझे उस तरीके से देखना पड़ेगा करेक्ट बाकी कंप्यूटर की इसमें कंपैरिजन में उसको, कि जो खाने वाला है मतलब मैं अगर कोई एज अ कंजर है तो मैं क्या नजर से देखता हूँ मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है वो मल्टीपल ऑप्शन में कौन सी चीज अच्छा है सबसे

सेफ्टी तो मतलब होता है क्वालिटी हो. मतलब ऐसे नहीं कि दिखाना अच्छा है दिखने के लिए अच्छी है टेस्ट अच्छी है वो बाद में पहले सेफ्टी तो सेफ है फिर उसके साथ वो बाकी भी चीजों में क्वालिटी के पैरामीटर अच्छा है और फिर उसमें वो बेस्ट प्राइस में भी है तो उसको अपने आप

लेना है तो मैं जो सप्लायर है उनके जितने भी उनमें मैं बेस कैसे हूँ वो मुझे सोचना पड़ेगा वन स्टेप और मैं वो किसी ने डिमांड की इसलिए मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड लेके आ रहा हूँ या उस हिसाब से बदला करो मैं तो सुमूटो मतलब खुद करूं पहले मैं खुद करूंगा तो उसका आएगा ना परिणाम आएगा तो खुद को बदलो कंज्यूमर की नजर से मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका है और कंज्यूमर को क्या है कि आज कोई भी कंज्यूमर है उसको आप सिर्फ ये करके कोई चीज का ऐड करके उसको कोई दिखावा करके नहीं देता उसको कन्विंस करोगे ये तरीके है ना लेकिन उसके साथ ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या एक्सपीरियंस का है जो मतलब तो आप कोई चीज को सुनते हो कोई चीज को आप देखते हो उसके हिसाब से आपके मन में कोई इमेज बनती है और आप कोई चीज को कंज्यूम करते हो सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है आपने उसको जब कंज्यूम कि, किया एक्सपीरियंस किया कंज्यूम किया मतलब क्या है? खाया मतलब या फिर एक्सपीरियंस किया अभी जैसे सयादरी के बारे में मुझे कोई ऐड करने की जगह मैं अगर बोलता हूँ कि आप आओ सदरी विजिट करो खुद ही मैं एक सबसे बड़ा मार्केटिंग है तो सबसे यहाँ आने के बाद आपने आप आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं कुछ ना मुझे कोई शाहरुख या किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है वो आप, आप खुद ही आप ही यू खुद से हां ऐसे करो ना सो, मार्केटिंग का तरीका ऐसे, से सोचो हम लोग एग्रीकल्चर में इसलिए हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और उस हिसाब से की की तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे कोई ऐसे आपके गले में डालना नहीं है ना मुझे आपको कोई ये फर्नीचर नहीं बेचना है की जरूरत है नहीं फिर भी मैं आपको बेच रहा हूँ मुझे तो आपको फूड बेचना है कि जो आपकी जरूरत ही है जरूरत हो गई हमेशा तो मुझे सिर्फ है ना बाकी कॉम्प्यूटर की कॉम्पिटिशन कौम, में आपको कन्विंस करना है तो मेरा तरीका उस हिसाब से तो मेरे मतलब तो 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 क्या प्रोडक्ट आपको मार्केटिंग का तरीका तो बदले गए तो हमने हमारा तरीका सिंपल एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो कॉम्प्यूटर की नजर में आप सबसे बेटर ऑप्शन हो कंज्यूमर के लिए वो आप उसके लिए आप खुद को वैसे बनाओ अपने आप होने वाला है, मार्केटिंग होने वाला है, होने वाला सेल है प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि खुद मार्केट करे सर आखिरी किसी यंगस्टर्स जो मेरे जैसे यंगस्टर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं बहुत सारे लोग इनिशिएटिव नहीं लेते आने का उनको अगर आप एक मैसेज या पॉइंट देना चाहेंगे एज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वो क्या होगा हमें तो एक ही बात करना चाहूँगा देखिए जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पे अपॉर्चुनिटी है ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है और जो प्रॉब्लम आज है न, वो कही ना वो कहीं ना कहीं तो वो उसको सोल्यूशन निकलने वाला है प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो कंट्री कोलैक्स होने वाली है तो कोई तो प्रॉब्लम सोल्यूशन कोई तो निकालेगा तो जो निकालेगा उसको उसका ये भी मिलेगा बेनिफिट भी मिलेगा तो अभी आप उसको प्रॉब्लम को उसको ये करके उसके साथ लड़के वो सोल्यूशन लाने के लिए आगे आओगे या तो उससे भाग जाओगे भाग के सेफ जोन में जाने वाले लोग भी होते हैं उनके तरीके से लेकिन जो ऐसे चीजों में जब मतलब प्रॉब्लम है उसमें उसके साथ लड़ते हैं तो वही वही एक्चुअली रियल रियलप्रोनर भी है उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती भी है अभी आ, इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ आई आई जैसे मुझे एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि इतने होशियार लोग हैं इतने इंटेलिजेंट है लोग अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं तो फिर सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसके साथ उन्होंने डील करना चाहिए ना सब लेकिन दूसरी जगह जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को जो अगर डील करने के लिए आगे नहीं आ रहा है इसके मतलब उनमें कैपेसिटी नहीं है वो अगर समझ रहे कि नहीं हम तो इंटेलिजेंट इसका मतलब हमें यूएस में जाके और कोई कारपोरेट में काम करना है कोई गवर्नमेंट करना है जो ऑलरेडी सेफ है वो वहाँ जाके आप क्या आपकी एक्चुअली जो भी कुछ कैपेसिटी है उसको कैसे टेस्ट करोगे अगर आप में कैपेसिटी आपको टेस्ट ही करना है तो आप सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया में आओ ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हिम्मत है तो आगे, आगे बढ़ के देखो हिम्मत है तो आगे, आगे बढ़ के देखो उसको उस तरीके से देखो या तो ना वो सोच होनी चाहिए चैलेंज को एक्सेप्ट करो उससे भागो मत एग्रीकल्चर को उस नजर से देखो आप आपकी भी दुनिया बदलोगे और उसके साथ है ना पूरे देश की भी सब पूरी परिस्थिति उसको बदलोगे और उसमें जो सेटिस्फेक्शन होगा ना लाइफ का तो आप जब जब मेरे एज बनो के बनोगे फिफ्टी के एज के तब आपको ये जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा अरे मैंने ऐसे काम किए कि जो मतलब मुझे एक खुद का जैसे पहला क्वेश्चन आपने मुझे पूछा वो प्राउड फीलिंग है ना तभी आएगी आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जब कुछ सिचुएशन uh, को है ना एड्रेस करोगे लाइफ में तो ऐसे मौके मिलते नहीं है आपको मिल रहा है तो उसको वैसे अगर हमारे देश में हो भारत में हो तो आपको ऐसे मौके बराबर है बरा बरा ना हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री है इतने सो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के साथ भिड़ना वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको आप भारत में जन्मे हो इसलिए आप यूएस में होते तो आप क्यों सोचते आपके मन में भी, भी नहीं आते आप वहाँ दूसरी तरीके से आपके करियर के बारे में सोचते हैं तो यार तो आपको अपॉर्चुनिटी है प्रॉब्लम के साथ भिड़ने की भारत में जन्म लेना एक तो ब्लेसिंग लोग हमेशा भागना चाहते हैं बट बर... उसको तो ब्लेसिंग की तरीके से देखो भगवान ने आपको ऐसे एक मौका दिया है आपको टेस्ट करने वाले का आपको खुद के साथ टेस्ट करने का सर आई आई थिंक एम चाहता हूँ कि लोग ये बात सुने सुनें देखें कि इंडिया, कि इंडिया कितना बड़ा गोल्ड माइन है कितने अपॉर्चुनिटीज है थैंक यू सो मच सर इसके साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है आई होप की लोग ये पॉडकास्ट देख के आपकी स्टोरी आपके अचीवमेंट से इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़ के भारत के एग्रीकल्चर भारत के फार्मिंग को भी आगे बढ़ाएं थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर योर टाइम इट्स एन ऑनर